फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या है कि द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन एंड द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। मतलब कि हमारे पास एक ट्राइंगल है और उसके मिड पॉइंट्स हमें गिवन हैं। ये मिड पॉइंट्स तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स गिवन हैं और हमने फाइंड करने हैं उसके वर्टिसेस ए बी और ये सी। तो मिड पॉइंट्स हम खुद से नाम दे देते हैं, डी इज़ 1, -1, ई इज़ -4, -3 एंड एफ इज़ -1, 1। ये मिड पॉइंट्स हमें गिवन हैं और हमें वर्टिसेस ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी फाइंड करने हैं। तो हर एक वर्टेक्स जो है वो एक पॉइंट है और उस हर एक का अलग से एक्स कोऑर्डिनेट होता है और वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो हम खुद से उनको नाम दे देते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को। लेट्स सपोज ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो बी है। इसी तरह बी वर्टेक्स का हम कोऑर्डिनेट्स के नाम दे देते हैं C, D। सी जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है बी का और डी जो है वो वाई कोऑर्डिनेट है पॉइंट बी का। इसी तरह पॉइंट सी के वर्टेक्स को हम नाम दे देते हैं E, F। मतलब के ई जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है और एफ जो है वो वाई कोऑर्डिनेट है सी पॉइंट का। यही हमने फाइंड करने हैं, A, B, C, D और E, F। ये हमने फाइंड करने हैं और हमें फिर मिड पॉइंट्स गिवन है। तो पहले क्या होता था, हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन होते थे और हम उसके दरमियान का यानी कि मिड पॉइंट हम उसका फाइंड करते थे। जिस तरह के ये ए पॉइंट X1, X Y1 और बी पॉइंट X2, Y2, ये हमें गिवन होता था और हम मिड पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते थे। वो हम कैसे फाइंड करते थे, हम फार्मूला यूज़ करते थे, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करते थे X1 + X2 और डिवाइड बाय 2। तो ये बनता था एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। इसी तरह y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स ऐड करते थे Y1 + Y2 और उसको 2 पे डिवाइड कर देते थे यानी कि हाफ उसका करते थे, तो वो उसका मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ जाता था। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट है कि हमें मिड पॉइंट गिवन है और साथ में उसके पॉइंट्स जो हैं वो निकालने हैं, वर्टिसेस निकालने हैं। तो वो कैसे होगा, यही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। तो लेट्स सपोज कि ये बी और सी जो है दो पॉइंट्स हैं जिसका मिड पॉइंट डी बनता है, तो हम इसी को एक्स इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट्स बी का सी है और सी का ई है, C + E/2। ये बनेगा इसके मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो कि 1 है, तो इसको हम 1 के बराबर रख देते हैं। इसी तरह जो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते थे, वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करते थे। दोनों पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट्स हैं D + F/2। तो ये आ जाएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट, डी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो कि पहले से हमें गिवन है -1। ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ से हमने दो इक्वेशंस बना ली। इसी इक्वेशन को सिंपल करते हैं कि 2 पे डिवाइड हो रहा है तो 2 से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इक्वेशन है तो दोनों साइड्स पे हमने इक्वालिटी रूल रखना है। दोनों जो लेफ्ट साइड पे करेंगे वही राइट साइड पे करेंगे, तो 2 से लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं C + E/2 × 2। तो इसी तरह राइट साइड पे आएंगे तो 1 × 2 और साथ में इसी को भी सिंप्लीफाई करते हैं D + F/2 × 2 कर दिया -1, इसको भी -2 कर दिया। तो यहाँ पर हैं तो ये 2 2 से कैंसिल हो गया क्योंकि एक डिवाइड हो रहा है एक मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पीछे हमारे पास क्या बचा C + E × 1 इज सेम C + E = 1 × 2 = 2। इसी तरह फिर D + F जो है वो मल्टीप्लाई भी हो रहा है 2 से और डिवाइडेड बाय भी 2 से, तो ये 2 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास जो बचेगा D + F = -2 क्योंकि -1 × 2 = -2। अब हम
एक हमने मिड पॉइंट की इक्वेशन लिखी है, इसी तरह बाकी दो मिड पॉइंट्स की इक्वेशन लिखेंगे। ई इज़ द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड सी, ए और सी से जो लाइन बन रही है उसका मिड पॉइंट ई बनता है। तो इसी को हम आगे लेके चलते हैं कि ई का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे आएगा, जो कि हमें पहले से गिवन है -4। अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे आएगा, दोनों पॉइंट्स के ए और सी के एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें, ए प्लस ई डिवाइडेड बाय 2, तो ये ई का एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा जो कि -4 है, इसलिए हमने इसको -4 के इक्वल रखा। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो ई का, जो कि -3 है पहले से गिवन है, तो वो कैसे आएगा, दोनों पॉइंट्स ए और सी के वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें, बी प्लस एफ होगा प्लस डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तब जाके हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट बनेगा ई पॉइंट का, जो कि पहले से -3 है और हमने वो इको रख दिया। इससे भी हमारे पास दो इक्वेशंस बनी हैं, उसको भी हम सिंपलीफाई करते हैं, 2 से डिवाइड हो रही हैं दोनों साइड्स पे, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू ए प्लस ई डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह दूसरी इक्वेशन को भी हम करते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू बी प्लस एफ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये 2 -4 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा, -8 इज इक्वल टू, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया क्योंकि एक मल्टीप्लाई हो रहा है एक डिवाइड हो रहा है, 2 डिवाइड बाय 2 इज़ 1। आगे जो पीछे हमारे पास बचेगा ए प्लस ई, इसी तरह दूसरी क्वेश्चन पे आते हैं, -3 मल्टीप्लाई 2 इज़ -6 इज इक्वल टू बी प्लस एफ, क्योंकि ये 2 इस 2 से कैंसिल हो चुका है। तो ये दो इक्वेशंस और हमारे पास आ गए, इस इक्वेशन को हम 1 का नाम देते हैं क्योंकि ये पहली इक्वेशन हमारे पास बनी थी, इस इक्वेशन को हम 2 का नाम देते हैं, सिंप्लीफाइड इक्वेशंस के नाम रख लेते हैं, इस इक्वेशन को हम 3 का नाम देते हैं और इसको 4 का नाम देते हैं। ये तो हमने दो मिड पॉइंट्स के लिए देख लिया, अब थर्ड मिड पॉइंट जो है एफ, उसके लिए भी हम सेम प्रोसीजर लेके चलेंगे। एफ जो है वो मिड पॉइंट है ए और पॉइंट बी के दरमियान का, पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान का जो मिड पॉइंट है वो एफ है, जिसके एक्स कोऑर्डिनेट -1 है और वाई कोऑर्डिनेट 1 है। तो हम इसी को लेकर आगे चलेंगे कि -1 इज़ इक्वल टू क्या आएगा, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करने से और डिवाइड बाय 2 करने से। एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए और बी का एक्स कोऑर्डिनेट सी है, तो ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 बनेगा, ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। और -1 के इक्वल क्यों रखा, क्योंकि हमें पहले से गिवन है कि इसके मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट -1 है। इसी तरह फिर हम वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे, बी प्लस डी, बी जो है वाई कोऑर्डिनेट है ए का और डी जो है वाई कोऑर्डिनेट है बी का, बी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2, बी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2, ये बराबर होगा वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एफ जो कि 1 है, इसलिए हम इसको 1 के इक्वल रखेंगे। एक और इक्वेशंस हमारे पास आ गई, अब इसको भी सिंपलीफाई उसी तरह करते हैं, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड सेम बी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब -1 मल्टीप्लाई 2 -2 आ जाएगा और साथ में ये 2 आपस में कैंसिल हो गए और ए प्लस सी पीछे बचा, और इसी तरह ये भी 2 आपस में कैंसिल, तो पीछे हमारे पास b प्लस डी बचा इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2 इज़ 2। अब इन इक्वेशंस के नाम भी रख देते हैं, पहले हम 4 तक जा चुके हैं, तो इस इक्वेशन का नाम 5 रखते हैं और इस इक्वेशन का नाम 6 रख देते हैं। हमारे पास 6 इक्वेशंस आ गई हैं, फर्स्ट इक्वेशन थी c प्लस ई इज़ इक्वल टू 2, सी प्लस ई इज़ इक्वल टू 2, ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, और d प्लस एफ इज इक्वल टू -2, ये थी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, d प्लस एफ इज इक्वल टू -2, ये सेकेंड इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन जो है a प्लस ई इज इक्वल टू -8, a प्लस ई इज इक्वल टू -8, ये है थर्ड इक्वेशन, और साथ में फोर्थ इक्वेशन जो है b प्लस एफ इज इक्वल टू -6, b प्लस एफ इज इक्वल टू -6 फोर्थ इक्वेशन,
फिफ्थ इक्वेशन जो है सी प्लस ए या ए प्लस सी इज इक्वल टू माइनस टू, ये फिफ्थ इक्वेशन होगी। और सिक्स्थ इक्वेशन जो है बी प्लस डी इज इक्वल टू टू, बी प्लस डी इज इक्वल टू टू, ये मैंने किया कि सारी इक्वेशंस एक साथ लिख दी। और अब हम देखना ये है कि हमने फाइंड क्या करना था। फाइंड हमने करना था ए बी सी डी ई एफ, जो कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं वर्टिसेस के, इस ट्रायंगल के। तो हमारे पास इक्वेशंस में ए बी सी डी ई एफ तक आ चुके हैं, तो इन इक्वेशंस को हम आपस में सॉल्व करेंगे ताकि हमारे पास ये अननोन्स निकल आए। वो कैसे सॉल्व करेंगे कि हम किसी भी दो इक्वेशंस को देखेंगे सेम, जिसमें वेरिएबल हो उसको आपस में ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई या सबट्रैक्ट, जिस तरह भी इक्वेशंस को आप सॉल्व करना पहले सीखते आए हैं। तो हम यहाँ पर करते हैं सी प्लस ई इज इक्वल टू टू है, और इस इक्वेशन में ए प्लस ई इज इक्वल टू माइनस एट है। इक्वेशन वन और थ्री को आपस में ऐड कर देते हैं। इक्वेशन एडिंग इक्वेशन वन, एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन थ्री, इन दोनों को ऐड करें तो क्या बनेगा, सी प्लस ई प्लस ए, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में ऐड होगी, सी प्लस ई था, सी प्लस ई इज इक्वल टू टू, सी प्लस ई और लेफ्ट साइड इसकी क्या है, थर्ड इक्वेशन की ए प्लस ई, इसमें ऐड हो जाएगा ए प्लस ई, ए प्लस ई, और राइट साइड आपस में ऐड होगी, इसका टू है और इसका माइनस एट है, टू प्लस इसका माइनस एट, इन दोनों को ऐड करते हैं, सी प्लस ई, ये बना सी, उसी तरह आ जाएगा, ए भी उसी तरह आ जाएगा, और ई ई में ऐड होके टू ई बन जाएगा। और यहाँ पर टू प्लस माइनस माइनस एट, तो टू माइनस एट इज इक्वल टू माइनस सिक्स आ जाएगा। तो ये बना, इसको हम अरेंज करके लिखते हैं, ए प्लस सी इज प्लस टू ई इज इक्वल टू माइनस सिक्स। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं सेवन का, इक्वेशन नंबर सेवन। अब हम देखते हैं कि ए प्लस सी प्लस टू ई इज इक्वल टू माइनस सिक्स है, तो ए प्लस सी की वैल्यू हमारे पास पहले गिवन है। फिफ्थ इक्वेशन को अगर देखा जाए, ए प्लस सी जो है बराबर है माइनस टू के, तो उसको हम माइनस टू इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं ए प्लस सी की जगह, प्लस टू ई इज इक्वल टू माइनस सिक्स। यहाँ से हम ई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, टू ई इज इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस टू, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर आगे टू हो गया, ये बन गया माइनस फोर, टू ई इज इक्वल टू माइनस फोर, एंड ई इज इक्वल टू माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू, ये टू टू से कैंसिल, तो ई की वैल्यू हमारे पास क्या आई, ई इज इक्वल टू माइनस टू, ई की वैल्यू आ चुकी है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी इक्वेशन में ई है, उसमें हम पुट करके दूसरा वेरिएबल फाइंड कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन देखे जाए, सी प्लस ई इज इक्वल टू टू है, तो इसमें ई की वैल्यू हम पुट करते हैं, सी प्लस ई इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, टू, तो ई की जगह हम माइनस टू पुट कर सकते हैं क्योंकि ई इज इक्वल टू माइनस टू है, सी प्लस माइनस टू इज इक्वल टू टू। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं, सी इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस टू है, यहाँ पे आके प्लस टू हो जाएगा, और सी इज इक्वल टू बन जाएगा फोर, सी की भी वैल्यू आ गई हमारे पास, ई की भी वैल्यू आ गई। अब जहाँ जहाँ पे इक्वेशन में सी और ई आ रहे हैं उसमें हम पुट कर देते हैं उनकी वैल्यूज़ और दूसरा वेरिएबल फाइंड कर लेते हैं। जिस तरह के ये ए प्लस ई है, इसमें ई हमें पता है उसकी वैल्यू, ए का नहीं पता, तो ए हम फाइंड कर सकते हैं, ए प्लस, ए प्लस ई की जगह माइनस टू इज इक्वल टू टू इज इक्वल टू, ए प्लस ई इज इक्वल टू माइनस एट है, सॉरी, इस टू की जगह माइनस एट आ जाएगा, माइनस एट। अच्छा, अब इसको सॉल्व करें तो ए माइनस टू इज इक्वल टू माइनस एट, ए इज इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस टू, माइनस एट प्लस टू, जो कि आ जाएगा माइनस सिक्स, ए इज इक्वल टू माइनस सिक्स। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी आ चुकी है। अब बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू देखते हैं किस तरह फाइंड करें। ए की वैल्यू आ चुकी है, सी की आ चुकी है, ई की आ चुकी है,
और ए की आ चुकी है, सी की आ चुकी है। अच्छा, अब हमारे पास ये इक्वेशन बची, ये इक्वेशन बची और ये इक्वेशन बची। अब हम इन दोनों में, इन तीनों में से कोई सी दो इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को आपस में ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 2 क्या है? डी प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस 2। डी प्लस एफ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन 2 की, और 4 की क्या है? बी प्लस एफ। इन दोनों को ऐड कर देंगे, बी प्लस एफ दोनों की लेफ्ट हैंड साइड ऐड की। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं, 2 की राइट हैंड साइड जो है वो है माइनस 2, और फोर्थ की क्या है? माइनस 6, मतलब माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 में ऐड करेंगे माइनस 6। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं, डी अरेंज करके लिखते हैं, बी प्लस डी प्लस एफ जो है वो एफ में ऐड हो जाएगा, 2f बन गया इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 6। बी उसी तरह वापस आया था और डी जो है वो भी उसी तरह हमने नीचे उतारा, एफ सिर्फ ऐड हुआ है, 2f इज इक्वल टू बाकी प्लस माइनस ये माइनस हो गया, माइनस 2 माइनस 6 आ गया। इसको सॉल्व करें तो बी प्लस डी प्लस 2f इज इक्वल टू माइनस 8 बनता है। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 8। अब हम देखते हैं कि बाकी दूसरी जो इक्वेशन बची थी हमारे पास, इक्वेशन 2 हम यूज़ कर चुके हैं, 4 भी यूज़ कर चुके हैं, इक्वेशन 6 जो है बी प्लस डी इज इक्वल टू 2, बी प्लस डी इज इक्वल टू 2, बी प्लस डी इस इक्वेशन में आ रहा है, ये इसकी वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 6 के मुताबिक 2 है, वो हम वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, 2 प्लस 2f इज इक्वल टू माइनस 8, 3f इज इक्वल टू माइनस 8, मतलब f की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी, f इज इक्वल टू माइनस 8 बाय 3। f की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब देखते हैं जहाँ जहाँ f है उसमें हम पुट कर देते हैं और बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन 2 में d प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस 2 है, d प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस 2, d प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस 2। अब इसमें f की वैल्यू पुट कर देते हैं, d इज प्लस माइनस 8 बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो हमारे पास बनेगा d इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 8 बाय 3। उस साइड पे प्लस था और यहाँ पर आके उस साइड पे माइनस था, यहाँ पे आके प्लस बन गया। सॉरी, इसमें जो हमने f की वैल्यू कैलकुलेट की उसमें थोड़ी करेक्टनेस करते हैं, करेक्शन उसमें ये होगी, 2f इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 जो है वो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 8 माइनस 2, इस तरह से माइनस 10 आ गया और यहाँ पर 2f आ गया, तो f इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 f के साथ और यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, जो कि फिर हमें f इज इक्वल टू माइनस 5 वैल्यू देगा, क्योंकि माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 जो है माइनस 5 रिज़ल्ट आता है। f की वैल्यू आ गई। अब f की वैल्यू हम पुट करेंगे किसी ऐसी इक्वेशन में जहाँ पर f हो, b प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस 6। इस इक्वेशन में आपको f नज़र आ रहा है और b नज़र आ रहा है, यहाँ से हम f b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ f। तो b प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस 6 है, b प्लस एफ, एफ जो है वो माइनस 5 है, इज इक्वल टू, b प्लस एफ इज इक्वल टू था b प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस 6 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 6। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, b इज़ इक्वल टू माइनस 6 प्लस 5, क्योंकि यहाँ पर 5 जो है माइनस है, इस साइड पे जब हम लेके आएंगे तो प्लस करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। b की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास एक वेरिएबल रह गया जो कि है d। अब इसमें
लास्ट इक्वेशन सिक्स इक्वेशन जो आप देखें, इसमें बी है, डी है, तो डी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी। बी प्लस डी इज़ इक्वल टू टू है इक्वेशन, बी प्लस डी इज़ इक्वल टू टू, बी प्लस डी इज़ इक्वल टू टू। इसमें डी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे बी की वैल्यू पुट करके, बी की जगह माइनस वन पुट करते हैं, प्लस डी इज़ इक्वल टू टू आ गया। इसको सॉल्व करें तो डी इज़ इक्वल टू टू प्लस वन, इट गिव्स थ्री, डी इज़ इक्वल टू थ्री। यहाँ पर आके हमारे पास सारे वेरिएबल्स आ चुके हैं, अब हम सिर्फ वर्टिसेस देखते हैं। ए वर्टेक्स क्या बनता था? ए वर्टेक्स जो बराबर है ए बी के, वो हम सारे अलग अलग से लिखते हैं। ए वर्टेक्स जो है वो है ए बी के बराबर, और बी वर्टेक्स जो है उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स से हैं सी डी हैं, और सी वर्टेक्स जो है ट्रायंगल का उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हैं ई एफ। अब इनमें हम ए बी सी डी ई एफ की वैल्यूज पुट कर देते हैं और हमें पॉइंट्स पता चल जाएंगे, ए पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट कौन सा है, सी पॉइंट कौन सा है, डी कौन सा है, सी कौन सा है। बस तीन पॉइंट्स हमारे पास, ए जो है माइनस सिक्स है और बी हमने जो फाइंड किया था वो माइनस वन है। ए जो है माइनस सिक्स और बी माइनस वन, मतलब ए जो है माइनस सिक्स और बी माइनस वन, ये ए पॉइंट। इसी तरह से बी पॉइंट में सी और डी की वैल्यू पुट करते हैं। सी जो हमने कैलकुलेट किया था वो उसकी वैल्यू क्या है, सी इज़ इक्वल टू फोर, ये रही, सी इज़ इक्वल टू फोर है, और डी की वैल्यू हमने जो लास्ट में कैलकुलेट की थ्री, फोर कोमा थ्री, ये बी पॉइंट बन गया। और सी जो वर्टेक्स है ई एफ है उसके कोऑर्डिनेट्स, ई और एफ की वैल्यूज देखते हैं। ई हमारे पास जो हमने कैलकुलेट किया था वो माइनस टू के बराबर है, और एफ जो है माइनस फाइव के बराबर, माइनस टू और माइनस फाइव, माइनस टू कॉमा माइनस फाइव, ये हमारे पास वर्टिसेस आ गए जो हमने फाइंड करने थे ट्रायंगल के।